कोलैबोरेशन कैसे स्टार्ट हुआ? वैसे ये कोलैबोरेशन कुछ साल पहले ही जानते थे. मैं बेसिकली आई एम अ हीलर. आई टेक सेमिनार्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर मेडिटेशंस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. तो उसी तरह से एक्चुअली जीत कुमार से मेरा मिलना हुआ, क्योंकि वो मेरे एक सेमिनार को अटेंड करने आए थे. फिर ग्रेजुअली यू नो एज आपके स्टूडेंट बनते हैं लोग, तो आपका उनसे मिलना होता रहता है. तो उन्होंने एक दिन बताया, अरे मैं यू नो मूवी में इंटरेस्टेड हूँ, मूवी बना रहा हूँ. तो आई वॉज लाइक ओके फाइन वेरी गुड, अच्छा कर रहे हैं आप. फिर ऐसे ऐसे कुछ, तो वो दो चार स्टोरियाँ कुछ उन्होंने पहले सुनी थी. तो ही यूज़ टू जस्ट कम एंड से कि कैन यू फील एंड सेंस कि ये अच्छी चीज़ है या अच्छी स्टोरी. आई वॉज लाइक नो नॉट दिस नॉट दैट. तो कभी कभी एक ऐसा होता है कि एक स्पिरिट पावर के हिसाब से, मैं तो कहती हूँ ये गॉड का है और मेरे गुरु जी हैं, उनकी वजह से यू नो यू जस्ट कम टू नो थिंग्स इन सेकेंड्स विच टेक्स अ लॉन्गर टाइम फॉर समवन टू अंडरस्टैंड. तो कुछ सेकंड्स में ही लगता है ये ठीक नहीं है, ये ठीक है. तो एक बार ऐसे ही वो उल्टे की स्टोरी लेके आए कि मेरे माइंड में ये स्टोरी नहीं थी, बेसिकली ये थॉट था कि मेरे माइंड में है ना एक ये थॉट आया है. तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा थॉट है कि इसके मूवी, तो आई वाज लाइक इस पे मूवी बनानी चाहिए, क्योंकि उससे पहले वो 10-15 स्टोरीज बता चुके थे. एंड द मोमेंट ही विल स्टार्ट आई विल से ये अच्छा नहीं है, ही विल से सुन तो लीजिए. मैंने कहा नहीं, इसका फील ही मुझे अच्छा नहीं आ रहा है. तो इट इज़ लाइक दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड. तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी स्टोरी. आई वॉज लाइक यस, फिर इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है. तो वो पूरी लाइन जीत कुमार ने ड्रॉ की कि अच्छा ऐसे ये स्टोरी है. तो मैंने कहा अब स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन स्टोरी में डायलॉग भी लगता है, स्क्रीन प्ले भी लगता है, सब कुछ लगता है. तो हाउ टू गो अबाउट इट? सो ही वॉज लाइक आई नो मनोज नाथानी जो डायरेक्टर और राइटर है मूवी के. तो उन्होंने कहा मैं मनोज भाई को जानता हूँ, मनोज भाई से लिखवाते हैं. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है. फिर मिलना मनोज भाई से हुआ हमारा. एंड इट इज़ लाइक जब मैं मनोज भाई से मिली तो मैंने कहा कि देखिए ये स्टोरी लाइन है, इसको आपको सजाना है, आपको स्क्रीन पे डालना है, डायलॉग डालने हैं. तो मनोज भाई ने कहा मुझे बस आप 2 दिन दीजिए, मैं आपको 2 दिन में कुछ सुनाता हूँ इसके ऊपर. तो जो स्टार्टिंग की एक रेंज बनाई मनोज भाई ने, तो वो सुन के मुझे वाकई लगा ये बहुत अच्छा है. फिर एक ये पता है एक बहुत अच्छा टीम वर्क बन गया कि मनोज भाई भी एक ऐसे इंसान है कि मैंने नहीं देखा कि वो इतना ईगो पकड़ के कभी चलते हैं. वरना कभी कभी होता ना, अरे मैं राइटर हूँ, मैं ये हूँ, मैं क्यों सुनूँ. लेकिन कभी कभी वो जब हमसे स्टोरी लाइन डिस्कस करते थे, डायलॉग डिस्कस करते थे, तो बहुत से डायलॉग्स में इतनी हंसी आ जाती थी कि ऐसा लगता था मनोज भाई ये बहुत अच्छा है, ये टैग लाइन बहुत अच्छी है. तो उस तरीके से शुरू हुआ. और कभी कभी लगता था नहीं मनोज भाई ये नहीं बैठ रहा है, ये नहीं जम रहा है. तो ही इज़ लाइक ओके हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं. सो ही वॉज ओपन फॉर सजेशन. दैट वॉज अ वेरी गुड थिंग दैट आई फेल्ट. और उसके जो सुर हैं या मूड बता वो बता रहे थे. लेकिन मैंने देखा उस वक्त डायरेक्टर साहब मनोज जी के साथ साथ हेमांगिनी जी भी बहुत इन्वॉल्व थी उसका में, वो भी अपने सजेशन दे रही थी. मुझे अच्छा लग रहा था. और मैंने विपिन से भी कहा, और मुझे जानता है कि जब तक आज भी मैं किसी नए म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी जाता हूँ, मतलब तो जब तक आपको ठीक नहीं लगे ओके नहीं मुझसे गवाते रहो, पूरे दिन गवाते रहो. तो वही मैं एटीट्यूड लेके उस दिन भी गया था. तो और मैंने देखा कि सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, मनोज जी, हेमांगी जी और जीतू जी और हमारे अरेंजर साहब, सबकी इन्वॉल्वमेंट थे. और सब लोग, अगर मैं एक लाइन गाऊँ तो 500 लोगों को मुझे सेटिस्फाई करना था. और कई कई बार वो डिस्कशन होते थे, किसी को इनको अच्छा लगता तो विपिन बोलते नहीं वापस करो. तो जब तक वो सारा हुआ नहीं, मुझे लगा कि सारे लोग बहुत मतलब दिल से इसमें इन्वॉल्व है. और मैं और एक मतलब बिना पूछे एक बात बता रहा हूँ. सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे ये कि ये विपिन का आइडिया था. कि पहले तो उसने कहा था कि ये लॉन्च हो रहा है, सुदेश हम लोग तेरे घर पे कैमरा लेके आएंगे, तेरी बाइट चाहिए. तो मैंने कहा ओके. फिर ये उनकी आइडिया था कि क्योंकि मुझे बचपन से साथ में स्ट्रगल किया है, तो उसको जब मालूम पड़ा कि मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, स्टूडियोज बनाए, तो मैंने मुझे भी अच्छा लगा. और इसमें एक मकसद था सबका कि शायद मेरी तरफ उनका मतलब जो एक पॉजिटिव मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं सभी टीम. तो सुदेश जी हम आपके यहाँ करेंगे और लॉन्च के साथ आपकी जगह को भी प्रमोट करेंगे. तो मैं थोड़ा सा प्रमोशन कर रहा हूँ, इस स्टूडियो का नाम है मतलब ग्रेविटी स्टूडियोज. और ये जो वास्तु है इसका नाम है सुमन, जो मेरी माँ का नाम है. और जिस रास्ते पे आप आए हो ये है गोरेगांव वेस्ट में तिलक नगर, NR भोसले मार्ग, चित्रकार NR भोसले मार्ग, जो मेरे पिताजी. और मेरे पिताजी बैनर आर्टिस्ट थे,
पोस्टर्स बनाते थे, झनक झनक पाल बाजे, मुगले आजम, दोस्ती, दादा कौन के की सारी फिल्में, राजेश्वर की सारी फिल्में, वो पोस्टर्स वो बनाने, तो गवर्नमेंट ने उनका नाम दिया। तो मुझे खुशी है ग्रेविटी स्टूडियो, और इस वास्तु में, इस बिल्डिंग में दो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज हैं, रिहर्सल हॉल्स हैं, शूटिंग फ्लोर है, सब कुछ है। तो सारे कलाकार, गायक, चित्रकार, म्यूजिशियंस, ऑल आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। चैलेंजिंग तो था, लेकिन उसके लिए वो भी श्रेय मनोज भाई को जाता है। मनोज भाई ने हर एक लोगों को अच्छी पूरी टीम बनाई, और ये उल्टे जो नाम है वो भी उन्होंने सजेस्ट किया था, उत्तम राव लक्ष्मण राव तेंदुलकर, जो कैरेक्टर का हमारा नाम है, वो रियल में नाम उल्टे हैं, लेकिन वो बंदा एकदम सीधा है, जो बंदा है वो एकदम सीधा है, जो सिस्टम के खिलाफ लड़ता है, कि मतलब जो बोगस वोटिंग के ऊपर उसकी पूरी स्ट्रगल होती है कि उनको कैसे पकड़ता है, ये पूरा कॉमेडी वैसे बनाई गई मूवी है। और इसका जो श्रेय है टाइटल का, वो मनोज भाई का आइडिया था, और मनोज भाई ने ही पूरा कैरेक्टर क्रिएट किया हुआ है। अब इसमें जो हम पॉलिटिकल सटायर ला रहे हैं, बोगस वोटिंग, ये काफ़ी प्रिडिक्टेबल नहीं है, इट इज़ लाइक क्वाइट अ अनप्रिडिक्टेबल, मतलब एक सस्पेंस है, एक थ्रिलर है। एक सस्पेंस है, एक थ्रिलर है कि वो बोगस वोटर को पकड़ेंगे कैसे, मतलब ये कोई हम, ये जो कैरेक्टर है वो अपने आदर्श पे चलता है, लेकिन ये बिल्कुल वो मूवी नहीं है कि वो हर किसी को आदर्शवादी बनना सिखा रहा है, या हम समाज को सुधारने जा रहे हैं, ये इसके ऊपर नहीं है। ना ही हम किसी पॉलिटिकल ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, ना ही किसी पॉलिटिशियन को लेके ये स्टोरी बनी है। ये स्टोरी इस मुद्दे पे बनी है कि उस दौरान थोड़ा इलेक्शन का माहौल चल रहा था, और तब काफ़ी, अरे यहाँ बोगस वोटिंग होगा, ये हो गया, तो वो एक थॉट होता है कि भाई ये हुआ कैसे। जैसे बहुत लोग खाली बातें कर, अरे ये ईवीएम मशीन के बारे में भी नहीं है, ये मूवी जो है ये इसके बारे में है कि ये रैकेट चलता कैसे। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि बहुत लोगों को लगता है कि भाई ये बोगस वोटर आते कहाँ से, ये करते कैसे, तो इट्स लाइक अ रेवोल्यूशन फॉर पीपल कि ये रैकेट चलता कैसे है, और ये सालों साल कैसे चलता है। अगर ये चल रहा है तो हम कहेंगे तो उसको कोई सपोर्ट भी कर रहा होगा, या तो कोई उसको पकड़ता क्यों नहीं है। तो बेसिकली यही सस्पेंस है मूवी का जानना, कि किसी ने उल्टे के बारे में वो जो असल बात है वो नहीं बोली होगी। ये जो फिल्म है उल्टे, सब कुछ उल्टा है, सब कुछ उल्टा है, क्योंकि जमाना घनघोर कलयुग है। घनघोर कलयुग में सब दया के ऊपर चलता है। जो चार स्तंभ होते हैं सतयुग के, वो तीन स्तंभ तो गायब हैं, एक स्तंभ बाकी बचा वो घनघोर कलयुग का है। और जब घनघोर कलयुग का चलता है तो आप ये समझ लीजिए कि सब कुछ उल्टा है। एक आदमी सीधा है, एक आदमी सीधा है, जिसका किरदार किया है हमारे हमारे डार्लिंग जीत ने, जीत उपेंद्र ने। और जैसे उन्होंने कहा है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, ऐसी है। अरे मैं तो पहले बोल रहा हूँ, उसकी थ्रू आउट लाइफ में, थ्रू आउट द फिल्म उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, लेकिन वो सच्चा है, सीधा है, अशुद्ध हिंदी हिंदुस्तानी वोट की तरह है, इस तरह से गुंधा हुआ है। हमारे मनोज जी ने जो राइटिंग की है, आई थिंक दिस इज रस्टिक, एक मट्टी में गुंधी हुई, मट्टी की कहानी है, मट्टी में गुंधी हुई एक स्टोरी है, जो सेंटर का आपको पॉलिटिक्स दिखता है, जो कि आपको उसकी रवानी आपको देखने को मिली होगी जब इलेक्शंस हुए होंगे, कि कैसे ऑपोजिशन क्या करती है, गठबंधन कैसे करता है, दूसरा कैसे करता है, तीसरा कैसे करता है, उसकी जो जो गलाजत है वो लोगों की आत्माओं में है। इसमें तीन लोग हैं, मुझे कहने वो शब्द मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि वो, सर इजाजत है, मैं इजाजत, नो यू आर माय बॉस, और हम खुश हैं, हम खुश हैं, क्या है कि ये जो तीन कैरेक्टर हैं, मुश्ताक खान, आदि, अरुण बख्शी, ये तीनों दर्शित करते हैं उस तरह की राजनीति, जैसे राजनीति में कुत्तों की तरह राजनीति करता है, इसको फाड़ा, उसको फाड़ा। ये पोस्टर भी दिखाते नहीं है, ये पोस्टर हमारी फिल्म को, हमारी स्टोरी को न्याय नहीं कर रहे हैं। और ये क्यों, बिल्कुल सीधा सच्चा हमारे डायरेक्टर साहब ने जो भी कम समय में मिला है,
ये तीनों लोग इस तरह से हैं, एक दूसरे को काट दे, पॉलिटिक्स में मार दे, कुछ भी कर दे, लेकिन उनको सत्ता चाहिए अपने अपने लेवल की। एक सरपंच है, एक डिप्टी है, उसके ऊपर एक और है, वो तीनों का जो वो चलता है वो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ये फिल्म को आप इस तरह से इजी मत लीजिएगा, ये डायरेक्टर की सोच है, उसका बच्चा है डायरेक्टर का, और हमने उस बच्चे को बड़े प्यार से पाला पोसा है, बहुत प्यार से हमने इसको पाला पोसा है। हमने 8-8, 10-10 दिन जो 12-12 दिन दिए हैं उसमें हम उसके इसमें किसी और के बारे में हम सोचे ही नहीं, अपने घर वाले उनको बोला साइड में हो जाओ, वो बाहर का काम साइड में हो जाओ, एवरी वन एंड ऑफकोर्स ही इज प्लेइंग फादर टू उल्टे, उल्टे इज जीत उपिंदर, और इनका जो रोल बना है जैसे किया है थैंक्स टू आर डायरेक्टर, जिस तरह से इनको इनको ग्रो किया है, और ये फैमिली की तरह है, इसमें कभी किसी एक्टर को ईगो प्रॉब्लम नहीं हुई है कि उसका बड़ा रोल, उसका छोटा रोल, उसके लाइन ये, उसका वो, क्योंकि सर पे ऐसा, अगर मैं अपने आप को पगला कहता हूँ या मुश्ताक पगला है या आदि पगला है, तो इस फिल्म में सबसे बड़ा पागल जो बैठा है वो नीली शर्ट में बैठा है। बेबी को पगला दो, बेबी को पैग पिला, ताले 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 सतीश, बेबी को पैग पिला दो, बेबी को पैग पिला दो, या कहीं विलन बन जाता है, कहीं कॉमेडियन बन जाता है, कहीं एक नंबर का चमचा भी बन जाता है, हाँ, लेकिन जहां पे उसके बेटे की बात आती है, उल्टे वाह ये आदमी, उल्टे इज हिज बेटे, या आई एम प्लेइंग जीत्स फादर, उल्टेज फादर, एंड इसमें मुझे काम करने का इसलिए मजा आया कि हर टाइम जब मेरे हाथ में सीन आता था तो सीन के वक्त मैं चौंक जाता था, यार ये सीन क्या है, ये कुछ अलग है, वरना क्या होता है कि एक सीन से दूसरा सीन लिंकअप तो होता है, लेकिन उसमें अगर कुछ नया हो तो एक्टर को कुछ करने का मजा आता है, और वही चीज मुझे लगती है कि इस फिल्म को देखते वक्त भी आप ये बोलेंगे कि अब ये होगा और उससे उल्टा होगा। हुई थी इन लोग ना मुझे पेग पिलाते और ना वाट लगती, नहीं ये फिल्म करने का मुझे बहुत ही मज़ा आया, और ये एक मैंने भी काफ़ी गुजराती फिल्म तो बहुत सारी की है, फिरोज भाई ने हमने बहुत सारी फिल्में साथ में की है, एक्सपीरियंस था अच्छे अच्छे बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ, और साथ ही हमारे वन ऑफ माय बेस्ट डायरेक्टर मनोज सर, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से इतने बड़े बड़े और मुश्किल सीन किए कि हम लोगों को पता ही नहीं चला, और वाकई में बहुत अच्छी फिल्म बनी है, आप लोग जरूर देखें, एंड कांग्रेचुलेशन टू हिमांगिनी मैम एंड जीत सर। महाराष्ट्र की भूमि में सतारा में एक फिल्म हुई है जहाँ पे दबंग वन दबंग टू इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों का जो शूट हुआ है वहाँ पे, तो मनोज सर मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे एज ए लाइन प्रोड्यूसर काम दिया था, और मैं लोकेशन देख रहा था, हम लोग सांगली गए थे, सांगली में हम लोग फाइनलाइज किया था, फिर सर कहीं तो नाराज़ थे कि सांगली में थोड़ा लंबा हो रहा है, एक्ट्रेस लोग को तकलीफ होगी, जी गणपति का गाना है तो गणपति जी का गाना गाया है फिल्म उल्टे के लिए, तो उसी मतलब उनका आशीर्वाद लेने के लिए गाया है, और गाना हमारे हिसाब से हमने बहुत मतलब मेहनत से गाया है, सच्ची श्रद्धा से गाया है, और इच्छा यही कि ये गाना खूब चले, लोग इनको खूब पसंद करें, और गाना सुनने के बाद तो हमें लगता है कि हर गणेशोत्सव में, इस गणेशोत्सव में नहीं बल्कि सालों साल ये गाना बचता रहेगा। मेरा सफ़र बहुत बहुत अच्छा रहा, 1982 से मैं हूँ स्टेज पर, फिर 86 में पंचमदा ने मुझे पहला ब्रेक दिया हिंदी फिल्म में जलजला में, और तब से आज तक मैंने हज़ारों शोज़ किए हैं, और हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के जो गुरु हैं, दिग्गज कलाकार हैं, लता जी, आशा जी, किशोर दा, अमिताभ बच्चन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, पंचम दा, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, बप्पी दा, राजेश रोशन, और नए अनु मलिक, आदेश श्रीवास्तव, आप जिनका नाम लो, सबके साथ काम करने का मौका मिला है, और लता जी के साथ, आशा जी के साथ, किशोर दा के साथ मैंने कई साल स्टेज पर परफॉर्म किया, तो इन लोगों से इतना आशीर्वाद मिला है मुझे, इतना कुछ मैंने सीखा है, तो मैं उस ये जो मेरी जर्नी है उसको मैं स्ट्रगल समझता ही नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ कि एवरी डे मैं कुछ ना कुछ नया नया सीख रहा हूँ,
और आखिर तक सीखता रहूँगा। और मेरे और मुझे बहुत खुशी है कि मैं गायक नहीं, मैं एक एंटरटेनर हूँ, मैं एक परफॉर्मर हूँ। तो जब भी मुझे लोग सुनते हैं, जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ, तो लोग बड़े खुश होकर घर जाते हैं। मैं किशोरदा का अच्छा मैं अपना मेरा अपना गाया हुआ मैंने अमित जी के लिए गाया था अग्निपथ में, क्योंकि गणेश जी आ रहे हैं। गणपति अपने गांव चले कैसे हम, गणपति अपने गांव चले कैसे हमको चैन पड़े, जिसने जो मांगा उसने जो पाया, रास्ते पे हैं सब लोग खड़े। गणपति अपने गांव चले कैसे हमको चैन पड़े, गणपति बापा।